चलिए, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज ग्रामर का जो है वो सेवेंथ वीडियो हमारा होने जा रहा है। ग्रामर का हमारा सेवेंथ क्लास है, ठीक है। और इस सेवेंथ क्लास में आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ चीजों को। तो कल मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था, और सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा दो फंक्शन, लिविंग और नॉन लिविंग, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसी को डूअर भी बोलते हैं और इस फंक्शन को नॉन डूअर भी बोलते हैं। तो आज थोड़ा सा क्लास हम लोग जो देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस फंक्शन को देखने के लिए पहले हमें जरा देखना है सेंटेंस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस जो होता है यहाँ पे लिखना शुरू कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स। नंबर वन असर्टिव, नंबर टू इंट्रोगेटिव, नंबर थ्री इंपरेटिव, नंबर फोर ऑप्टेटिव, और नंबर फाइव एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि एक सेंटेंस पढ़ने के लिए, मतलब सबसे पहले भी हम सब्जेक्ट को जानेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम कुछ डूअर नॉन डूअर का फंक्शन निकालेंगे, तो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। बट यहाँ पे आप लोग को कुछ चीजों को सीखना है, ठीक है, कि सेंटेंस मीनिंग के अनुसार, जैसे समझिएगा, एक चीज समझाना चाहता हूँ कि मीनिंग का मतलब क्या होता है, यानी हर सेंटेंस का कुछ मीनिंग होता है, कुछ अर्थ देता है, और अर्थ का डायरेक्शन भी कुछ अलग होता है। तो सब जो भी वाक्य हम बोलते हैं, सब वाक्य एक जैसा नहीं होता है, सबका अपना अलग अलग घर होता है। तो आपको ये समझना है कि सेंटेंस जो हम बोलते हैं उनका पांच घर होता है। एक होता है असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंपरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब कौन किस घर में जाएगा ये हमारा अगला कंसर्न है, तो इसको हम लोग देखेंगे। यानी सबसे पहला आता है आपका असर्टिव सेंटेंस, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है बेटा ये दो भाग का होता है। एक कहलाता है इसमें अफर्मेटिव और एक कहलाता है नेगेटिव। तो मैं आपको समझा रहा हूं अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले अब आता है यहाँ पे कि अफर्मेटिव पढ़ना। तो अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सेंटेंस इस धरती पर पॉजिटिव मीनिंग दे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सकारात्मक, और नेगेटिव क्या हो जाएगा? नकारात्मक। यानी जो वाक्य सकारात्मक हो, यानी जो असर्टिव हो, यानी जो प्लस मायने दे, यानी कभी उसमें ना नहीं आए, वो असर्टिव का एक अंश होता है, अफर्मेटिव कहलाता है, और जिसमें ना आ जाए वो नेगेटिव होता है। तो असर्टिव को एक बार फिर से हम लोग अच्छे से देखें। तो असर्टिव जो होता है बाबू, असर्टिव, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट क्या होता है, कल ही इसी पर हम लोग बहस कर रहे थे, तो डूअर नॉन डूअर के बारे में बताएंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, दुनिया में कोई भी नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक। अब नाउन जो होता है इसकी प्रवृत्ति होती है कि नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है, तो जिसका भी आप नाम रख दें, जो भी नाम रख दें वो नाउन हो जाता है। दुनिया में जो भी आपको दिखाई देता है सब नाउन है, और सब सब्जेक्ट बन सकता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं कर्ता, इसको लिखते हैं क्रिया, और ये अदर वर्ड दो प्रकार का होता है, जिसमें आता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जिसपे हम लोग बहस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आइए बात करते हैं। तो नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, जैसे हमने लिया बॉय, बॉय मतलब लड़का, और जैसे आप इसमें एस लगाइएगा बन जाएगा बॉयज, यानी हो जाएगा लड़के। तो याद रखिएगा एक चीज, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं प्लस लिखूं तो समझिएगा प्लूरल,
और अगर माइनस लिखूं तो समझिएगा सिंगुलर। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि माइनस में कितना लकीर, एक लकीर, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो प्लस में दो साइन है तो ये बहुवचन हो गया, माइनस में एक साइन है तो ये एक वचन हो गया। तो जहां मैं लिखूं प्लस माइनस तो समझ लीजिएगा, जैसे बॉय देखिए क्या है, माइनस है और यहाँ पे एस लगा दिए तो क्या हो गया, प्लस, क्योंकि एक से अधिक हो गया। तो सिंगुलर यानी सिंगुलर को हम साइन देंगे माइनस का और प्लूरल को साइन देंगे किसका, प्लूरल को साइन देंगे प्लस का। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है मैंने दे दिया। यानी याद रखिएगा कि व्हेन वी एड एस ई एस और आई ई एस टू द नाउन इट बिकम्स प्लूरल। यानी जब भी किसी नाउन में हम एस ई एस या आई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल होता है। और एक तरीका और समझाते हैं, जैसे कोई नाम दिया है राम, अब कहेगा राम को प्लूरल बनाओ, तो आप इसमें एस ई एस आई एस नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इसमें एस लगाइएगा तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, जिसमें इसका मतलब होता है राम का। तो ये कुछ अलग केस हो गया, ठीक है, राम का। तो ये नहीं समझना है आपको, बस ये देखना है कि अगर कहीं वाक्य में राम दिया है और उसको प्लूरल बनाना है तो ये प्लूरल नहीं बन सकता है। हाँ, एक केस ये होता है कि आप इसमें एंड लगा दीजिए और श्याम लगा दीजिए या कोई अदर नाम डाल दीजिए, तो 1 + 1 = 2, और 2 यानी प्लस, यानी अब ये हो गया प्लूरल। यानी तीन तरीका है, ध्यान से देखिएगा, एस ई एस आई एस तो लगेगा ही लगेगा। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी नाउन को आप प्लूरल जब बनाएंगे तो एस ई एस आई एस लगा के तो बना लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर नाम दिया है तो आप उसमें एंड भी लगा के प्लूरल बना सकते हैं, तो वहां पे भी केस समझना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दुनिया का हर नाउन इस धरती पर अकेला पैदा होता है, सिंगुलर होता है, और उसमें एस ई एस या आई एस लगाना पड़ता है। जैसे हमने ले लिया बॉडी, बॉडी, अब ये हो गया शरीर, अब इसका प्लूरल बनाएंगे। तो याद रखिएगा बॉडी में एस ई एस नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कि जब किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो ये वाई जो है आई ई एस में बदल जाता है, आई ई एस में बदल जाता है और प्लूरल बन जाता है। जैसे अब क्या हो जाएगा, बॉडीज। तब ये देखिए, ये यहाँ पे ये माइनस था यानी सिंगुलर था, यहाँ पे ये प्लस हो गया यानी शरीर, यानी एक से अधिक शरीर या शरीरें लिख दीजिए, ठीक है। यानी याद रखना है आपको दो तीन चीजों को। जैसे मैंने लिखा मान लीजिए पेन, तो पेन में लगा देंगे एस, बुक, बुक में लगा देंगे एस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप इसमें एस या ई एस लगाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस से प्लस यानी सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पेन है तो पेन्स बन जाएगा, बुक है तो बुक्स बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? यानी याद रखिएगा नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है बेटा, एस ई एस और आई एस, और साथ में आप एक एंड भी लगा सकते हैं। आइए अब दूसरे नंबर पे आता है वर्ब को जरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस फॉर्मेशन में, क्योंकि इसके बिना जिंदगी अधूरा है। तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब का बहुत सारा डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एनी एक्शन, स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, सारा समीकरण भूल जाइए, सारा डेफिनेशन भूल जाइए, मेरा पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए आपको क्या समझाता हूँ और आपको इसके बाद क्या फर्क पड़ता है ये भी देख लीजिएगा। बात करते हैं वर्ब का, वर्ब क्या होता है, तो वर्ब को हम लोग नाम देंगे एनर्जी। क्या नाम देंगे, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से लिखिए, बताइए दुनिया का ऐसा कोई सा वर्ब, कोई ऐसा क्रिया बताइए जिसमें ऊर्जा ना लगे, जिसमें एनर्जी ना लगे। सोचिए, सोच के बताइए, खाना पीना, नहाना धोवाना, टहलना बुलाना, नाचना गाना, टीवी देखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सोना, हर चीज में ऊर्जा लगेगा। यानी याद रखिएगा कि वर्ब क्या है, एनर्जी है। यानी याद रखिएगा वर्ब का दूसरा नाम एनर्जी ही होता है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखिए कितना मजा आ रहा है आपको। तो वर्ब का दूसरा नाम क्या है बेटा, एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि एनर्जी से ही वर्ब का निर्माण हुआ। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि बताइए क्या एनर्जी एक तरीके का होता है या अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं कि आप मान लीजिए रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते पे जा रहे हैं और आप एक तरीके से जा रहे हैं। अब आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ गया तो आप क्या कहेगा कुत्ता को, कि आओ हमको काट लो, आ कुत्ता मेरे को काट ले,
कि आप भागिएगा तो एनर्जी आप बढ़ाइएगा, फिर आपको लगेगा कुत्ता चला गया तो फिर एनर्जी घटाइएगा। यानी एनर्जी होता है बढ़ता रहता है घटता रहता है, बढ़ता रहता है घटता रहता है। देखिए फैन का स्पीड बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, एसी में टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, बाइक का स्पीड बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा घटा सकते हैं। यानी याद रखिएगा ऊर्जा हमेशा वेरिएबल होता है, कॉन्स्टेंट नहीं होता है, यानी यह बदलता रहता है। ठीक है, तो जब ऊर्जा बदलेगा तो ऊर्जा का ही दूसरा नाम वर्ब है, तो वर्ब भी बदलेगा। और इसी नाते वर्ब के बदलने की वजह से वर्ब के पांच फॉर्म पाए जाते हैं। वर्ब के हमारे पांच फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 और V5। अब जरा देखिएगा मजेदार चीज, यानी हमारे पास कितने वर्ब मिले, पांच वर्ब मिले। क्यों? क्योंकि एनर्जी कितना है, अलग अलग प्रकार का है, और एनर्जी को ही हमने ऊर्जा मान लिया, तो ऊर्जा सॉरी एनर्जी को ऊर्जा मान लिया और ऊर्जा हिंदी हो गया इसका, और ऊर्जा को ही हमने वर्ब मान लिया, तो जब अगर एनर्जी बदलेगा तो वर्ब भी बदलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंपेनियन, एक दूसरे के साथ चलते हैं, है ना। किसी भी वर्ब में ऊर्जा होगा ही, और ऊर्जा है तो वो वर्ब बनेगा ही, तो ऊर्जा बदलेगा तो वर्ब बदलेगा, और जब वर्ब बदलेगा तो वर्ब के पांच रूप आ गए, V1, V2, V3, V4 और V5। अब मजे की बात यह है कि समझना यह है कि आपके हिसाब से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब कौन सा है, आपके हिसाब से कौन सा है, क्या यह V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 या पांचों है। तो सवाल यह उत्पन्न होता है कि ध्यान से देखिएगा, आपके घर में सीढ़ी होगा, मान लीजिए ये आपके घर में सीढ़ी है, ठीक है, अगर ये पहला सीढ़ी हटा दें तो ये सारा सीढ़ी गिर जाएगा। यानी सबसे पहला सीढ़ी ही बेस होता है, यानी सबसे मुख्य रूप कौन होगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब जो होगा वो होगा V1। क्यों? क्योंकि अगर V1 नहीं होगा तो धरती पर किसी और का निर्माण नहीं होगा, यानी V1 से बना है V2, ठीक है, V1 से बना है V3, V1 से बना है V4 और V1 से ही बना है V5। यानी याद रखना है कि इस धरती पर V1 आया, तभी V2 आया, तभी V3 आया, तभी V4 आया और तभी V5 आया। चलिए आगे देखते हैं, यानी इस धरती पर V1 जो है वो सबसे पहले आया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, V1 ने जन्म दिया है किसको, किसको, V2 को, V3 को, V4 को और V5 को। यानी V1 जन्म देने वाला है कि नहीं, यानी V1 ने जन्म दिया, और जन्म कौन देता है, या तो माँ या तो बाप, ठीक है। तो माँ एक हुई और बाप एक हुए, अब एक एक को मिलाइएगा बन जाएगा दो, और दो को मैंने क्या माना था, प्लस, पॉजिटिव प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लूरल। यानी याद रखिएगा, नोट, इस धरती पर V1 हमेशा प्लूरल होता है। क्यों होता है, अगर प्लूरल नहीं होगा तो सिंगुलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आदमी जन्म दे ही नहीं सकता है, जब तक शादी नहीं होगी, समझ में आया। यानी V1 के अंदर गुण किसका है, माता पिता का, और माता पिता के मिलने से ही बच्चा का जन्म होता है। यानी V2, V3, V4, V5 बच्चा है V1 का, और जन्म लिया है क्यों, क्योंकि V1 के अंदर दोनों का गुण आ गया, माता पिता का। आप खुद देखिए, आपका जन्म हुआ है तो आपके माता पिता होंगे, सिर्फ माता से जन्म नहीं हो सकता है, सिर्फ पिता से जन्म नहीं होता है। तो याद रखना है कि इस धरती पर V1 जो है, आपसे कोई पूछेगा कि V1 सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आंख बंद करके बोलना है कि V1 प्लूरल है। क्यों? क्योंकि V1 अगर नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा। जरा एक एग्जांपल आप देखिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने लिया गो, अब गो से क्या बना, वेंट, फिर क्या बना, गॉन, फिर क्या बना, गोइंग, फिर क्या बना, गोस। ले लीजिए V1, V2, V3, V4 और V5। अब गो नहीं रहेगा तो V2 ये आएगा, कुछ नहीं आएगा। यानी ये जन्म दे रहा है, और जन्म देने वाला हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है, दो होता है। यानी गो क्या हुआ, प्लूरल। बहुत लोग को ये नहीं पता है, लोग को पता है कि गो जो है सिंगुलर है, गोज है प्लूरल। तो जिसको ये नहीं पता है इस उम्र में, उसका जीवन बेकार है, अंग्रेजी बेकार है पढ़ना उसके लिए। आज जाके आंख खुलेगा, हाँ भाई गो प्लूरल, अगर पता भी होगा तो इतना क्लियर नहीं पता होगा। यानी याद रखना है कि इस धरती पर पाए जाने वाला प्रत्येक V1 प्लूरल होता है, ठीक है,
और इसको क्या करेंगे बाबू, इसको एस ई एस या आई ई एस लगाकर अब हम क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। उल्टा होता है, नाउन में जो किए थे उसका रिवर्स कर दीजिए। नाउन में जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, वर्ब में जोड़ेंगे तो घटेगा। नाउन में जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, वर्ब में जोड़ेंगे तो घटेगा। याद कर जाओ, नाउन में जोड़ा तो बढ़ा, वर्ब में जोड़ा तो घटा। नाउन में जोड़ा तो बढ़ा, वर्ब में जोड़ा तो घटा। अब जैसे देखो, हमने ले लिया ईट, ईट मतलब खाना। अब खाना ईट, ईट से क्या बनेगा, एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स। तो ध्यान से देखो, ये बना वी टू, ये बना वी थ्री, ये बना वी फोर, ये बना वी फाइव। जन्म हुआ कि नहीं हुआ, तो जन्म देने वाला क्या होगा, वी वन होगा। वी वन होगा तो क्या होगा, बहुवचन होगा, यानी क्या होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल होगा तो यह वी वन कहलाएगा। अब पहचान, कैसे पहचानेंगे वी वन को, तो याद रखिएगा वी वन का फॉर्मूला सिखाते हैं, एनर्जी प्लस नाम। जिस शब्द में आपको एनर्जी दिखाई दे और अंत में ना दिखाई दे, वो सारा भीवन है। और भीवन होगा तो वो प्लूरल होगा। और भीवन में जब आप एस ई एस और आई एस लगाइएगा तो वो बन जाएगा सिंगुलर। देखते हैं, जैसे प्ले। अब चलिए बताइए, प्ले सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो पहले देखिए, प्ले का हिंदी निकालिए, खेलना। अंत में क्या आया, ना, और खेलने में क्या लगेगा, एनर्जी। तो एनर्जी प्लस ना इज इक्वल टू भी वन। अब ये भी वन हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी प्लूरल हो गया। और इसमें एस लगा दीजिएगा तब क्या बन गया, सिंगुलर हो गया, यानी एक वचन। यानी प्ले क्या हो गया, बहुवचन, प्लूरल, और ये क्या हो गया, सिंगुलर। उल्टा होगा, नाउन से उल्टा होगा। नाउन में जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, वर्ब में जोड़ेंगे तो घट जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब आइए, सेंटेंस को थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, ठीक है? तो समीकरण हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमने लिखा था अदर वर्ड, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको समझना है कि एक नंबर में सब्जेक्ट आएगा, दो नंबर में वर्ब आएगा, तीन नंबर में अदर वर्ड आएगा, ठीक है? अब एक चीज और आपको समझना है कि आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका जो वर्ब आया है इसको भी सिंगुलर होना पड़ेगा, ठीक है? और अदर वर्ड का अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, समीकरण आपका सेंटेंस का इक्विलिब्रियम जो होता है, जो बैलेंस होता है, वो बिगड़ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि एक तराजू हमने ले लिया, ठीक, और इस तराजू पे हमने इधर एक किलो चढ़ाया और इधर सवा किलो चढ़ा दिया, ठीक है? तो ये डंडा ऐसे हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर इधर हमने 750 ग्राम चढ़ा दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर भी सामान लेने में दिक्कत है। यानी दोनों को बराबर करेंगे, इधर एक किलो तो इधर एक किलो, अब जाके डंडा सीधा होगा। और जब डंडा सीधा होगा, जब डंडा सीधा होगा तब जाके बराबर होगा, और बराबर होगा तभी जाके आपको सामान मिलता है। यानी किसी भी जगह पे बराबर का सिद्धांत काम करता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड में अगर यह सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर होगा, यह प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होगा। अब एक को माइनस मानेंगे और दो को प्लस मानेंगे, माइनस मानेंगे प्लस मानेंगे। माइनस का मतलब सिंगुलर, प्लस का मतलब प्लूरल। माइनस का मतलब सिंगुलर, प्लस का मतलब प्लूरल। अब जरा ध्यान से देखिए समीकरण क्या कहता है। दूसरा बात, तो एक फॉर्मूला सीखिएगा आप कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, एस वी ओ, 1 2 3 1 1 2 2। सबसे पहले खोजो, फिर सजाओ और फिर मिलाओ। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, राम बाजार जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, खोजो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो कोई भी नाउन होता है सब्जेक्ट, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए खोजना क्या है, तो वर्ब, अगला है वर्ब, तो इसमें वर्ब कौन है, बाजार है कि जाना है,
तो देखिए ऊर्जा जिसमें लगेगा, मैंने क्या बताया कि वर्ब का मतलब होता है ऊर्जा, तो यानी जाने में ऊर्जा लगेगा, ठीक है। और जब जाने में ऊर्जा लगेगा तो जाता है आपका हो गया वर्ब, और जो बच गया रेस्ट पार्ट उसको हम लोग मान लेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। तो अभी आप इसको ओ डब्ल्यू मान लीजिए, अब समीकरण सेट कीजिए, इसको ओ डब्ल्यू ही कर दीजिए, तो हो जाएगा एस प्लस वी प्लस ओ डब्ल्यू। अब लिखिए राम का इंग्लिश लिख दीजिए, राम, वर्ब आ जाएगा जाने का गो, कहां जा रहा है टू मार्केट। अब चेक कीजिए राम यहाँ एक वचन है कि बहुवचन है, तो एक वचन है यानी माइनस है, और गो देखिए तो गो भीवन है, और भीवन हमेशा क्या होता है प्लस होता है, यानी यह क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस का भी काम करेगा गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तो देखिए आप गो में अगर ईएस लगा दीजिएगा तब क्या हो गया, यह ध्यान से देखिएगा, यह गोज लगाने से यह क्या हो गया, यह भी माइनस हो गया, ठीक है। गोज लगाने से क्या होगा, यह भी माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि राम भी सिंगुलर हो गया और गोज भी सिंगुलर हो गया। अब यही बात क्या सही हो गया, ठीक है, यही बात क्या हो गया सही हो गया, क्यों, क्योंकि पहले अनबैलेंस्ड था अब बैलेंस कर दी। जैसे मैं कहूं कि राजू मेरी मदद करता है, राजू मेरी मदद करता है। अब ध्यान से कि फॉर्मूला है एस वी ओ डब्ल्यू 1 2 3 1 1 2 2, यानी सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। अब मिलाइए राजू सब्जेक्ट मदद करना, वर्ब मेरी मदद, चेक कीजिए एस प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू, लिख दीजिए राजू हेल्प्स, राजू सिंगुलर हेल्प सिंगुलर, अगर हेल्प लिखते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस को बैलेंस करना आपने सीख लिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस बैलेंस हो गया। अब आपको कुछ कुछ बनाना है, जैसे कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, जैसे राजू मोतिहारी में रहता है, राजू मोतिहारी में रहता है। अब राजू मोतिहारी में रहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, राजू मोतिहारी में रहता है, मैं राजू क्या हो गया सब्जेक्ट, रहना क्या हो गया वर्ब, और मोतिहारी में अदर वर्ड। अब सेट कीजिए एस प्लस वी प्लस ओ डब्ल्यू 1 2 3 1 1 2 2, यानी सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। तब लिखेंगे यहाँ पे, हमने लिख लिया राजू, अब राजू सिंगुलर है, अब अगर रहने का अंग्रेजी क्या होता है तो लिव होता है, पर लिव मतलब रहना, अंत में ना आ रहा है, रहने में ऊर्जा लगेगा, यानी क्या है यह प्लूरल है, तो बहुवचन हो गया, तो क्या हो जाएगा राजू लिव्स इन मोती, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बैलेंस करके दुनिया में हजारों वाक्य बोल सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा प्रीकैप करके देख लीजिए कि याद रखिएगा नाउन में अगर आप एस ई एस और आई एस जोड़ेंगे तो यह प्लूरल बनेगा, यह क्या बनेगा प्लूरल बनेगा। वहीं आप वर्ब में एस ई एस और आई एस जोड़िएगा तो क्या बनेगा सिंगुलर बनेगा, उल्टा होगा, नाउन में जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, वर्ब में जोड़ेंगे तो घटेगा, ठीक है। और वर्ब में भी आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्राई है, तो आप देखिए फ्राई मतलब तलना, अंत में क्या है ना, और तलने में ऊर्जा लगेगा, तो ये हो जाएगा भीवन, और भीवन हो गया तो ये हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। तो इसका इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो क्या बोले थे कि वाई हो दोनों में काम करेगा, अंत में वाई हो, पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई आई एस में बदल जाएगा, तो इसका सिंगुलर हो जाएगा फ्राइज, ठीक है। तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया आपका प्लूरल। इसी प्रकार आप बना सकते हैं, जैसे प्ले है, तो प्ले बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, चलिए बताइए, हाँ खेलना, अंत में क्या है ना, और खेलने में क्या लगता है ऊर्जा, और भीवन का फॉर्मूला क्या है, तो भीवन इज इक्वल टू एनर्जी प्लस ना, ई प्लस ना। आइंस्टीन का फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपको याद रखना है भीवन इज इक्वल टू ई प्लस ना, यानी जिस शब्द के अंत में एनर्जी आए और ना आए, जिस शब्द में एनर्जी लगे और ना लगे वो भीवन है, भीवन है तो प्लूरल है। जैसे हम कहते हैं डांस, और देखिए डांस मतलब नाचना, अंत में क्या है ना, नाचिएगा तो ऊर्जा लगेगा, तो बताइए कौन सा वर्ब है भीवन, ठीक है। अब भीवन है तो क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल, तो प्लूरल है। अब हम लिखते हैं राजू डांस, बोलिए सही है गलत है, तो राजू सिंगुलर है, डांस प्लूरल है, गलत हो जाएगा। आप लगा दीजिए इन अ पार्टी,
तो राजू डांस इन अ पार्टी गलत हो जाएगा। तो राजू क्या हो जाएगा? डांसेस। क्यों? क्योंकि राजू सिंगुलर है, डांस प्लूरल था। अब इसमें एस या एस लगाए तो सिंगुलर हो गया, नाउन में जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, अब वर्ब में जोड़े तो घट गया। तो इस प्रकार से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल हम लोग फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, बहुत बेसिक है। अभी किसी भी हालत में आप क्लास एब्सेंट नहीं करेंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास पूरे देश में चल रहा है, मेरा एक मुहिम छेड़ा है कि कहीं पे भी जो भी बच्चे हैं उनको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, आगे आने वाले समय में आप तैयार रहें। किसी भी तरीके से एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि पहले था कि लिमिटेड था कि लोग जहां मैं रहता हूं वहीं के लोग मुझसे पढ़ पाएंगे, अब पूरे देश में लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, दिल्ली से, कलकत्ता से, बॉम्बे से, मद्रास यानी चेन्नई, फिर आपको साउथ एरिया से, बनारस से, बहुत बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और वीडियो देख देख के उनमें काफी जागरूकता बढ़ रही है। तो आप अगर मुझसे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मेरे क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करें 8434315135। ये मेरा मोबाइल नंबर है और इस पे आप, इस पे चैट सपोर्ट आपको मिलेगा। आप इस पे चैट करके आप मुझे अपना नाम भेज सकते हैं और इंक्वायरी बता सकते हैं। देखिए अभी मेरे इस ऑनलाइन बैच में 8 सीट और खाली है। अगर आप एडमिशन लेंगे तो अभी आपको सिर्फ 999 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से मेरा नया बैच शुरू होने जा रहा है जिसका फी हो जाएगा 2999 रुपीज, यानी 3000 रुपए नेक्स्ट में। ये ट्रायल था इसलिए मैं 1000 में एडमिशन ले रहा हूँ। अभी 8 सीट बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन जुड़ना, तो मुझे व्हाट्सअप करें। और मेरा नाम हुआ एबी सर, मैंने अपना पढ़ाई फॉरेन से किया हुआ है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और आपको पता है कि बिहार में रह के मैंने काफी मेहनत किया है और बच्चों को मोटिवेट करने का, और काफी हद तक मैं इसमें सक्षम हूँ। तो अब मेरे जगह पे रहने वाले सबको मैंने काफी लाभान्वित किया है, काफी वो लोग बेनिफिट उठा चुके हैं। अब बारी आपकी है, देश विदेश के बच्चे मुझसे जुड़े और मुझे फॉलो करें और देखें उनमें कितना परिवर्तन होता है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप अभी से अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी जुड़ सकते हैं। अभी सिर्फ कम फी है, 8 सीट और बचा हुआ है। थैंक यू सो मच।